हेलो दोस्तों, माय नेम इज राजन शर्मा। दोस्तों, आज की स्टाइलिश की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट ओनली और अकाउंट विथ इन्वेंट्री, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है। आज की इस वीडियोस में मैं आपको थ्योरिटिकल थोड़ा सा पार्ट समझाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो अकाउंट है, एक है अकाउंट ओनली और दूसरा है अकाउंट विथ इन्वेंट्री। देखिए, अकाउंट्स ओनली जो है वो बहुत ही ईजी होता है मैनेज करना, लेकिन जो अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री है उसको मैनेज करना थोड़ा सा टफ होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक अकाउंट है आपके पास अकाउंट ओनली। अकाउंट ओनली में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपये का सामान खरीदा है, या 200 रुपये का सामान खरीदा, या 500 रुपये का सामान खरीदा, तो उस 500 रुपये के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं 500 रुपये में, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है अकाउंट्स ओनली में, अगर आप अकाउंट्स ओनली मेंटेन कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री की, तो अगर आप अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री के अंदर 500 रुपये का अगर आप सामान खरीदते हैं, तो उसके अंदर आपने 500 रुपये का क्या क्या चीज़ खरीदा है ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक ना पेन खरीदा है, तो अगर वो पेन मैंने सिर्फ 500 रुपये का ख़रीदा और कुछ नहीं है, तो वो नॉर्मल है, अकाउंट्स ओनली के अंदर उसकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन 500 रुपये में मान लीजिए मैंने पेन भी ख़रीदा है, पेंसिल भी खरीदी है, कुछ नोटबुक खरीदे हैं, ठीक है, कुछ और भी अलग अलग चीज़ें मैंने खरीदी हैं, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वो हमारा अकाउंट विथ इन्वेंट्री के अंदर आएगा कि 500 रुपये के अंदर मान लीजिए मैंने 100 रुपये का एक पेन खरीदा है, 100 रुपये की नोटबुक खरीदी है, ठीक है, उसी तरह से 100 रुपये का मैंने कुछ और खरीदा है। तो आपको ना इस तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप एक पूरा लिस्ट बनाना पड़ेगा कि 500 रुपये के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं, वो होती है अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। और टैली के अंदर ज़्यादातर जो एंट्रीज होती हैं वो अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री के अंदर ही होती हैं, अकाउंट्स ओनली में नहीं होती हैं। अकाउंट्स ओनली के अंदर बहुत ही कम मतलब एंट्रीज होती है, मतलब आप इस तरीके से मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 100% एंट्री होनी है, तो उसमें से 5 से 10% जो एंट्री है वो जो है अकाउंट्स ओनली के अंदर होती है, और बाकी की जो 90 से 95% जो एंट्री बचती है वो सारी की सारी जो एंट्री होती है वो हमारी अकाउंट विथ इन्वेंट्री के अंदर होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री के अंदर क्या फ़र्क है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग बाउचर के बारे में, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग बाउचर जो है किस तरीके से काम करता है, तो देखते हैं।